नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रीवा में गुरुवार को ईद उल फितर का उत्साह देखने को मिला। शहर भर के 17 स्थानों पर ईद उल फितर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर काजी मुफ्ती मुबारक अजहरी ने बताया कि तय कार्यक्रम के मुताबिक बिहार नदी के तट पर मौजूद मुख्य ईदगाह और बिछिया नदी के तट पर स्थित बादशाही ईदगाह में सुबह 8 बजे नमाज अता की गई, जहां नमाज अता करने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं जामा मस्जिद, दाराशाह मस्जिद और जामिया मस्जिद खुटेही में नमाज सुबह 8:30 से 9:30 बजे के बीच अता की गई है। सभी स्थानों पर ईद को लेकर भारी उत्साह नजर आया। क्या कहना चाहेंगे? कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और शरीयत हिलाल तस्दीक कमेटी की तरफ से तमाम भाइयों को और मुल्क में रहने वाले अपने हर भाई बहन को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज का जो ईद का पैगाम है वो यही है कि हमने जिस तरीके से रमज़ान में अपनी ज़िंदगी इस्लाम के तरीके के मुताबिक गुजारी, उसी तरीके से रमज़ान के बाद भी हमारी ज़िंदगी उसी इस्लाम और कुरान के मुताबिक हमें गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी अहम बात यह है कि मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से भी और मुल्क में रहने वाले अपने दीगर तमाम मजहबी भाइयों से मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे मुल्क में रहने वाले सभी लोग इत्तेहाद के साथ, अमन व अमान के साथ, भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। यकीन जाने, किसी भी मुल्क का नाम दुनिया में तभी रोशन हो सकता है जबकि उस मुल्क में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहने की कोशिश करें और भाईचारे का सबक एक दूसरे को जो है वो सिखाएं भी और उस पर अमल करने की कोशिश भी करें। आज का ये मुबारक जो त्यौहार ईद उल फितर है वो सारे मुसलमानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी का जो दिन है, उस दिन सभी ने नमाज़ें अदा की और नमाज़ों के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। अपने अपने घरों में जाकर एक दूसरे के साथ जो है वो सेवैयाँ खाने का और मेहमान नवाजी करने का जो एक तरीका है वो भी इंशाल्लाह पूरा दिन अभी जारी रहेगा। मैं फिर से सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और ख़ास तौर पर प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे जितने भी रहे, नगर निगम प्रशासन और जितने भी हमारे दीगर आला अधिकारी रहे, वो सभी लोग मुस्तैदी से लगे रहे और इस त्यौहार को जो है खूबी और हुस्न खूबी के साथ अंजाम तक पहुँचाए। मैं सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। ईद का मुबारक देश में हर्षोल्लास का माहौल है और ईद जैसा हमारा राष्ट्रीय पर्व है मुस्लिम भाइयों का। मैं निश्चित तौर पे उन सभी अपने मुस्लिम भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि भाईचारे को बनाए रखने के लिए आप देश में बहुत बड़ा योगदान है। हमारा भी प्रयास है कि हम कोई मिलकर ही देश का निर्माण करने का काम करें। ईद की मैं सभी मुस्लिम भाइयों को और देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ।